अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब कैरियर से होंगे। आज मैं आया हूँ होंडा के शोरूम, आपको डिफरेंट बाइक्स दिखाऊंगा। आज मैं इसमें 70 है 2023 मॉडल होंडा, 125 है 2023 का। मैं आपको बाइक्स दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये भी ये करंट प्राइस है 2023 की होंडा सिटी 70 की। इसकी जो रिटेल प्राइस है 128,937, ड्रीम की है जी। और प्राइडर आ जाता है आपके पास, CG125 आ जाता है, CG125S आ जाता है, और ये CB125 आ जाता है आपके पास F मॉडल वाला। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हैं। आए आपको मज़ीद दिखाते हैं। ये होंडा सिटी 70 है जी, 2023 मॉडल। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइएगा बाइक के बारे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2023 में और 2022 में? सर 22 में और 3 में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। अच्छा, इसमें 23 में तो उन्होंने इसका सिल्वर चेंज किया। ठीक है, सेट चेंज किया। अच्छा, जैसे इसका जो टैंक की टॉपिंग होते हैं उन्होंने, हाँ ये खूबसूरत लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये वाले जो स्टिकर हैं ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ से आप बताइएगा यहाँ क्या चेंजेस हुए हैं? यहाँ पे इसकी ये सेंडर चेंज किया उन्होंने। ठीक है, इसके कार्बोरेटर के जेट चेंज किए हैं, कार्बोरेटर चेंज हुआ है, गरारी सेट तक चेंज किया हुआ है इसका। गरारी सेट में भी चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है, पीछे जहाँ पे नंबर प्लेट लगती है उसको भी उन्होंने प्लास्टिक का कर दिया। अच्छा, ये भी प्लास्टिक का हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, ये भी वर्स प्लास्टिक का हो चुका है इसमें अंदर। ठीक ठीक ठीक, अच्छा 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 अच्छा। तो ये जी इसकी ओवरऑल लुक है 70 की। सही सही सही, ये जी 2023 का 125 है, CB125F, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो ये सेल्फ वाला है जी, ये इसकी जी ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की इसकी लुक है। इसको YBR के साथ कंपेयर कर सकते हैं? YBR से ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। हाँ, ये देख सकते हैं आप, इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं और इसके इंजन की ओवरऑल लुक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये जो हमारा जो CG125 है और ये जो CB125F है ये वाला, तो इसके अंदर कॉर्पोरेटर में चेंजेस हैं? इसकी ये ज़्यादा बड़ा होता है कॉर्पोरेटर इसका। अच्छा 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 अच्छा, उससे स्मूथ चलता है। अच्छा, उससे स्मूथ चलता है। इसकी आवाज़ में भी फ़र्क है थोड़ा? आवाज़ में भी फ़र्क है। अच्छा 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 अच्छा, दोनों की आवाज़ में बहुत ज़्यादा फर्क है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं जैसे कि ये इसकी ओवरऑल लुक है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। और ये साइडों में भी इन्होंने दिया हुआ है। और मुझे जो है इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो डिस्क ब्रेक्स है। जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की है इसकी। और साइड रिफ्लेक्टर भी दिए हुए हैं। और ये इसकी बैक लुक है। ये इसका सेल्फ लगा हुआ है, ये बैटरी सिस्टम है सारा, और ये कॉर्पोरेटर वाला हिस्सा है सारा इसका। इसी तरह जी ये इसका ब्लैक कलर में अभी है 70, ब्लैक कलर भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे 125 देख रहा हूँ, तो इसके बारे में बताइएगा सर, इसमें क्या चेंजेस आए हैं? सर 125 में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, क्योंकि इसका इन्होंने इंजन में ज़्यादा चेंजेस किए हैं। अच्छा, क्या क्या चेंज किया? केम चेंज किया उन्होंने, केम की पिन चेंज है, रॉकेट पिन चेंज है। फिर ये 23 में ज़्यादा ना इसकी इंजन की आवाज़ नहीं आ जाए, शांत गाड़ी है, बिल्कुल शांत जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसमें बहुत सारा आवाज़ें भी आ रही थी काफ़ी, वो बाइक तो बाइक में ज़्यादातर चेंजेस हुए केम में। सही सही सही, बहुत ज़्यादा अच्छा 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 अच्छा। तो आप वो केम बता रहे थे और इसका जेट बता रहे थे, इसमें जो चेंजेस हैं? इसके भी कार्बोरेटर के जेट चेंज हैं, जैसे 70 के चेंज किए हैं। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसके अंदर चेंजेस की गई हैं। अच्छा, तो इसके तो ग्रैंड सेट में कोई चेंज नहीं किया? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें बस इन्होंने चेंज किया। ये ओवरऑल लुक है जी इसकी। अच्छा,
अच्छा जी, तो ये प्राइडर है, ये 100 आता है ना? जी ये 100 आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने कोई चेंजेस किए हैं? इसमें सर ये चेंजिंग इन्होंने ये की है कि ये लॉन्ग रूट पर अगर जाए ना तो ये आपको बिल्कुल स्मूथ ड्राइव है इसकी। ठीक है, लॉन्ग रूट पर ये ज़्यादातर काम आती है, ज़्यादातर यानी कि ओल्ड फैशन जो लोग होते हैं वो ये इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत बाइक है व्यूअर्स, इसकी लुक्स अगर देखें और ये अगर यहाँ से इसका मीटर देखें तो, ये अगर देखें तो मीटर, मीटर के भी इसकी काफ़ी खूबसूरत लुक है। और सही 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 सही, तो इसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं बाकी इंजन में? अच्छा सही सही सही, मतलब इसकी रोड ग्रिप वगैरह और शॉक्स वगैरह ब्रेक्स वगैरह 70 से बहुत ऊपर है। सही 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 सही, ये जी होंडा की जर्नी लिखी हुई है 1963 से 20 तक की, और 1963 में बाइक ऐसी थी, देन उसके बाद 1976 में ऐसी होगी, और ये CD70 है जिसको मच्छर भी बोलते थे, और ये मेरे फादर के पास भी थी, मैंने भी खुद बाइक इसी पे चलाना सीखी थी, बहुत ही आउटलर किस्म की बाइक थी। फिर उसके बाद ये होंडा की ये वाली आ गई इस लुक में बाइक, देन उसके बाद जो है जब 4 stroke 125 आया था जिसको पॉइंटर कहते हैं वो ये है, देन उसके बाद MB 100, देन CD 70, देन 2003 के अंदर इन्होंने लॉन्च की यही, फिर उसके बाद इसमें डिलक्स मॉडल आता था, फिर उसके बाद इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं इन्होंने ये थ्रिल के नाम से एक हैवी बाइक भी निकाली थी, CPR, उसे CPR कहते हैं, CBR 250 जिसे कहते हैं, तो देन इन्होंने जो है उसके बाद CB 500X निकाली इन्होंने, और इसी तरह होंडा आपने डॉल्फिन देखी होगी, डॉल्फिन फोर्स के पास भी होंडा की बाइक है, तो ये ओवरऑल जर्नी है जी जो यहाँ पे लिखी हुई है।